हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि 2021 के इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो अभी देने वाले हो या फिर आप बैक पेपर देने वाले हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आप, यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं। जैसे कि आप कह दें जो काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस में है, उसकी बात करने वाले हैं। वो भी रिटर्न एग्जाम करा रहे हैं, तो उनके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। छात्रों के लिए एमजेपीआरयू के लिए है, बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, नखलाऊ यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है यूपी की। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका अपना बुक उठाइए, नोट्स जिसमें आपने नोट्स बना रखे हैं या फिर आप मार्केट से जो नोट्स लेते हैं, शॉर्ट नोट्स जिसे बोलते हैं, तो उनको ओपन करिए, उठाइए और जो मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान से देखिए। ये है हमारा, ये क्या लगा रखा है, जस्ट मोमेंट रुकेंगे, बस थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर रखा है इन्होंने। इसको देखो, ये दे रखा है वृत्त, नहीं ये लगा लेंगे, ठीक है, ये वाला सही रहेगा। ठीक, इसको देखेंगे, ये क्या है, ये है हमारा, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको। देखो देखो, ये बोल रहा है बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के लिए इंडस्ट्रियल लॉ का पेपर है, इसे औद्योगिक कानून बोलते हैं। इसमें 2021 की बात करेंगे, 2021 के इम्प्रूवमेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। पहला क्वेश्चन को टिक लगाएंगे, ये बोल रहा है कारखानों का शब्द की परिभाषा, मतलब कि कारखाने किसे कहते हैं, ये जरूरी है याद करना, और उनके लक्षण क्या होते हैं। लक्षण नहीं मत तोड़ना, लक्षण क्या है, कारखानों के कोई लक्षण थोड़ी होते हैं। इसकी बात की जा रही है, कारखाना का एक अधिनियम चलाया गया था 1948 के अंतर्गत, श्रमिक मतलब कि जो मजदूर होते हैं उनके कल्याण तथा कार्यों के संबंध में प्रावधान लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, जो मजदूर होंगे जो कारखानों में काम करेंगे उनके कल्याण और उनके कार्यों के प्रावधान क्या है, ये कारखाने अधिनियम 1948 में बोला गया था, उसके बारे में पूरी विवेचना करनी है, वो आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रमिकों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा हेतु एक कारखाना अधिनियम चलाया गया था, अभी 1948 बोला था, उसकी विशेषता और उनके प्रावधान के बारे में मैं ऊपर बता चुका हूं। वही बात है जो ऊपर आपने याद करेंगे, जो ऊपर आप याद करेंगे, इस प्रकार से उनके कल्याण और कार्यों के बारे में, स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के बारे में बात वही है। पूरा सिस्टम यहां से उठाकर वहीं लिख देंगे, पूरा क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, देखो आप जानते हैं हड़ताल किसे कहते हैं, तालाबंदी किसे कहते हैं, हड़ताल और तालाबंदी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप टिक लगा लेना। औद्योगिक संघर्ष क्या होता है, उसके कारण क्या है, ये आप दोनों याद करेंगे। ओलंपिक कह सकते हैं, देखिए लोक कह सकते हैं, लोकप्रिय योगी और हड़ताल जो होती है, या फिर कह सकते हैं ये वही ऊपर आ जाएगा, बात वही है, ठीक है, यही हड़ताल और तालाबंद जो कह सकते हैं तालाबंदी होता है वही याद करेंगे, इसको छोड़ दीजिए, वही पूरा प्रोसेस वही होगा इसका भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्थापना कब की गई थी, उसका गठन कब हुआ, उसकी शक्ति क्या है, उसके क्या कार्य है, उनकी विवेचना करनी है। किसकी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लो। अंशदान किसे कहते हैं, इसको आप याद कर लो। अंशदान के भुगतान के नियमों क्या है, उनके अंशदान के नियम क्या है, वो आप याद करेंगे, अंशदान क्या है याद करेंगे। आंशिक आयुक्ता और पूर्ण आयुक्ता में क्या अंतर होता है, इन दोनों का अंतर पूछ लेता है, पूछेगा तो शॉर्ट में पूछेगा, इसको आप याद करेंगे। उसके बाद में टिक लगा लीजिए फटाफट। उसके बाद में आता है, आपसे पूछ लेता है, एक आता है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, बहुत इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत जो भी श्रमिक कार्य करेंगे, ठीक है, उनकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी है नहीं है, ये पूरा विवेचना करने के लिए आता है। उसके अंतर्गत जो कारगर होता है, कामगार होता है, उनकी क्षतिपूर्ति, ठीक है, नियोक्ता का दायित्व और नियोक्ता का क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। जब आप ये अधिनियम पढ़ेंगे, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये सब कुछ उसके अंतर्गत आ जाता है, ध्यान देख लेना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसको टिक लगाइए। ये आता है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, अभी 1923 हमने बताया था, उसके अंतर्गत जो कमिश्नर की नियुक्ति एवं शक्ति के जो प्रावधान की व्याख्या है, जब आप उसको अधिनियम को जब पूरा पढ़ लोगे तो आपको क्या होगा, 1923 वही अधिनियम हमने बोला था आपको, वही अधिनियम 1923 वाला।
क्षतिपूर्ति अधिनियम जो था 1923 वाला, ठीक है, 1923 में क्या था, उनमें कमिश्नर की नियुक्ति किस प्रकार से होती है और उनकी शक्ति संबंधित प्रावधानी जो दे रखे हैं उनके बारे में व्याख्या करना है। अधिनियम के अंतर्गत उत्पाद प्रक्रिया को समझाइए, अधिनियम के अंतर्गत जो उत्पाद की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है उसको आपको समझा देना है। श्रमिक क्या होते हैं, मजदूर क्या होते हैं, हम ऊपर बता चुके हैं उनकी क्या विशेषता होती है। औद्योगिक विभाग अधिनियम का इसको क्वेश्चन देख लो, पूछ लेता है औद्योगिक जो विभाग होता है उसके अधिनियम के उद्देश्य क्या होते हैं, ये क्वेश्चन को टिक पढ़ लेना, ये क्वेश्चन टिक लगा लो अपने बुक में। उसके बाद समझौता बोर्ड क्या होता है, तो समझौता जो होता है समझौता बोर्ड के क्या तात्पर्य है, समझौता बोर्ड के बारे में पढ़ लेना, शॉर्ट में आपसे पूछेगा। और उनकी समिति में समझौता बोर्ड की विभेद मतलब अंतर मतलब कार्य समिति क्या होती है, एक समझौता बोर्ड होता है, दो होते हैं, इनमें दोनों में अंतर पूछ लेता है, इसको आप पढ़ेंगे कार्य समिति और समझौता बोर्ड में अंतर, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आता है, हड़ताल और तालाबंदी, हम ऊपर दे चुके हैं, यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। दशाओं में ये जरूर पूछ लेता है कि किन दशाओं में हड़ताल अवैध घोषित होती है, वे कौन कौन सी दशाएं हैं, ये शॉर्ट में पूछेगा कि किन दशाओं में हड़ताल अवैध घोषित होती है, ये आप क्वेश्चन को नोट करेंगे। उसके बाद में है छटनी क्या होती है, उसके कारण उनको बताते हुए श्रमिक न्याय क्या है, उसके कार्य बताइए, ये पूछ लेना है। और श्रमिक देखिए एक क्वेश्चन आता है आपसे एक प्रकार का क्वेश्चन कि श्रम संघ क्या होता है, विशेषता बताइए, श्रम संघ क्या होता है, श्रम जो श्रम संघ होता है वो क्या होता है, उसकी विशेषता बताने को पूछता है आपसे, बताइए, और ठीक है ये आप क्वेश्चन देखेंगे। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कर्मचारी राज्य बीमा आयोग क्या है, उसका उल्लेख उद्देश्य बताइए, क्या उद्देश्य थे उसके। उसके बाद में आता है देखिए कर्मचारी बीमा जो न्यायालय क्या होता है, ये याद कर लेना है। स्थायी समिति क्या होती है, उसके अधिकारों को बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या क्या अधिकार होते हैं उसके। और उसके बाद में आपको याद करना है कर्मचारी राज्य बीमा की कोष में अंशदान से अधिक जो संबंधी प्रावधान दिए गए हैं उनको संक्षेप में आपको लिख लेना है कि कर्मचारी राज्य बीमा कोष में जो अंशदान से संबंधी प्रावधान दिए गए हैं उनके बारे में याद कर लेना है, बस इतने क्वेश्चन याद करना है, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना, याद रखना इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मतलब कि इस पेपर की बात करने वाला हूं। आप सभी यूनिवर्सिटी को लेकर चल रहा हूं एक साथ में, यूपी की सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और हाँ उसके बाद में हम नेक्स्ट पेपर को भी अपलोड करेंगे, अभी हाल ही में सारे पेपर अपलोड कर देंगे, पेपर बाय पेपर हम अच्छे तरीके से देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। 2022 के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, बस पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नीचे एक कॉमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक और है जिसका नाम है बीकॉम पेपर हैकर, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, वहां भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।